गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ टी केटल में आप लोग राइस कैसे बना सकते हो, और वो भी बहुत अच्छी तरह से आप लोग टी केटल में राइस बना के खा सकते हो। तो मैंने ले लिया है टी केटल में पानी। पानी गर्म करने के लिए ऑलरेडी मैंने छोड़ दिया था, तो वो गर्म हो चुका है। और मैंने ये चावल ले लिया है वॉश करके ले लिया। तो इसको अच्छा से मैं अभी गर्म होने के लिए छोड़ रही हूँ। अच्छा से गर्म हो जाएगा तो मैं चावल को इसमें डाल दूंगी। आप लोग देखते रहिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स, पानी गर्म और रेडी हो चुका, तो इसको हम अभी हटा देते हैं। आप लोग देख सकते हो पानी अच्छा से गर्म हो चुका है। आप लोग को राइस बनाना है तो पानी अच्छा से गर्म होना ही पड़ेगा। तो गाइस, मैं अभी राइस को इसमें डालने वाली हूँ। आप लोग अच्छा से बना सकते हो टी केटल में राइस। और ज्यादातर तो हॉस्टल में रहने वाले लोग अगर राइस घर पे तो ऐसे भी बना सकते हैं ना, तो हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग अच्छा से टी केटल में राइस बना के खा सकते हो। और तो इसमें अभी मैं राइस डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने राइस ऑलरेडी डाल दिया है, तो इसको अभी मैं रख देती हूँ। आप लोग देखते रहिए वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लास्ट तक देखिए, तभी पता चलेगा कि आप लोग को टी केटल में कैसे राइस बना सकते हो आप लोग अच्छा से वो भी। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि राइस बन रहा है और थोड़ा टाइम में होने ही वाला है। आप लोग देखते रहिए। तो गाइस, देख सकते हो राइस होने वाला है, थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आप लोग देखिए कि टी केटल में आप लोग कितना अच्छा से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो राइस हो गया। तो मैं स्विच को अभी बंद कर देती हूँ और आप लोग को अभी दिखाने वाली हूँ कि राइस के हुआ हो गया बोल के। तो आप लोग देख सकते हो टी केटल में कितना अच्छा से राइस बना सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइए। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक वीडियो देखिए। और थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए।